नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। भारत और बांग्लादेश 1971 के मुक्ति युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विजय दिवस मना रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 सालों बाद रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट नीति में बांग्लादेश को महत्वपूर्ण करार दिया है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी ने एक पखवाड़े के अंदर दूसरे डिजिटल कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की विरासत को बैकड्रॉप में रखा है। डिजिटल शिखर सम्मेलन में उत्तर बंगाल की कूच बिहार राजबाड़ी पीएम मोदी के साथ बैकड्रॉप में नजर आई और ईंट से निर्मित कूच बिहार की राजबाड़ी विश्व के 7 खूबसूरत महलों में से एक है। उत्तर बंगाल की कोच राजवंशी समुदाय की विरासत की कहानी को ये बयां करती है। और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान भी बैकड्रॉप में कोलकाता के मां काली के मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर को रखा था और इस मंदिर के में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की तपस्या भूमि के तौर पर इसे देखा जाता है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित कूच बिहार जिले का एक नगर है। 1586 से 1949 तक एक छोटी रियासत के रूप में था और उसी दौरान कूच बिहार राजबाड़ी का निर्माण हुआ। इसका निर्माण यूरोपियन शैली में किया गया था। ब्रिटेन स्थित बकिंघम पैलेस के डिजाइन वाली ये 2 मंजिला इमारत 1887 में बनकर तैयार हुई थी और इसका निर्माण कोच महाराजा नृवेंद्र नारायण सिंह ने करवाया था। हालांकि जब इसका निर्माण किया गया उस वक्त ये 3 मंजिला थी, लेकिन 1897 के विनाशकारी भूकंप की वजह से इसे भारी नुकसान पहुंचा था। इस भूकंप के बाद हुए पुनर्निर्माण में राजबाड़ी को 2 मंजिल तक ही सीमित कर दिया गया और इन दोनों मंजिलों का निर्माण ईंटों से किया गया है। कोच साम्राज्य की स्थापना 1510 में महाराजा विश्व सिंह ने की थी। इस साम्राज्य का अंत आजाद भारत में इसका विलय हुआ और इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर इसके 24वें और अंतिम महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने किए थे। साल 1970 में उनकी मृत्यु के 12 साल के बाद इस पैलेस को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। वहीं ASI ने इसे साल 2002 में संग्रहालय का रूप देकर लोगों को यहाँ का इतिहास करीब से जानने का मौका दिया। इस संग्रहालय में आने जाने वाले लोग 7 कमरों से गुजरते हुए कोच राजवंश के साथ साथ उत्तर बंगाल की कई विरासतों के बारे में नज़दीक से उनका परिचय हासिल करते हैं। कूच बिहार राजपरिवार का संबंध देश के कई राजपरिवारों के साथ था। महारानी इंदिरा देवी बड़ौदा राज्य की राजकुमारी थी। उनका विवाह कूच बिहार के महाराजा महाराणा जितेंद्र के साथ हुआ और निधन के बाद वो कूच बिहार राज्य की रीजेंट भी बनी थी। उनकी पुत्री महारानी गायत्री देवी का विवाह जयपुर के राजघराने में हुआ और महारानी गायत्री देवी का बचपन कूच बिहार राजबाड़ी में ही बीता था। महारानी गायत्री देवी राजघराने से निकलकर चुनाव में प्रतिद्वंदिता की थी उन्होंने और 1962 के लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख मतों से जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया था। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तो गायत्री देवी ने इसका विरोध किया था और वो 5 महीने तक तिहाड़ जेल में रही थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ की स्थापना कर रहे थे उस समय गायत्री देवी ने उन्हें काफ़ी सहयोग किया था। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मामलों की मंत्री और सांसद देवश्री चौधरी बताती हैं कि कूच बिहार राजबाड़ी उत्तर बंगाल के गौरवपूर्ण विरासत का एक प्रतीक है। इससे कूच राजवंशी समुदाय का गौरवपूर्ण इतिहास जुड़ा हुआ है। पीएम ने वर्चुअल सम्मेलन में कूच बिहार की राजबाड़ी को बैकड्रॉप में रखकर उत्तर बंगाल के गौरव को बढ़ाया है, राजवंशी समुदाय को सम्मान दिया और इसके लिए बंगाल और विश्व का संपूर्ण बंगाली समुदाय प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार बंगाल से जुड़ी हुई विरासत को विश्व पटल पर रख रहे हैं। साथ ही इस महत्वपूर्ण दिवस पर बांग्ला में ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी होगा कि अगले वर्ष बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और BJP ने बंगाल में कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है। वीडियो पर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।